खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अनुच्छेद 370 खत्म करने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने वाला प्रस्ताव आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए आज इतिहास बन जाएगा। लोकसभा में आज दो प्रस्ताव और दो बिलों पर चर्चा होनी है। पहला बिल जम्मू कश्मीर में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का है, जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटने वाला बिल है। कल राज्यसभा से पास हुआ जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजादी देने वाला प्रस्ताव, अब जम्मू कश्मीर और देश के बाकी राज्यों में फर्क खत्म। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर और देश के बाकी राज्यों का फर्क खत्म, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा देश का संविधान। जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 की जगह अब 5 साल होगा। जम्मू कश्मीर का अब अपना झंडा नहीं होगा, पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर भी तिरंगा ही लहराएगा। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद राज्य के बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर में घर जमीन खरीद पाएंगे, बाहरी लोग कारोबार नौकरी भी कर पाएंगे। दूसरे राज्य में शादी करने पर भी जम्मू कश्मीर की बेटी का हक नहीं खत्म होगा, पहले बाहर शादी करने पर संपत्ति पर खत्म हो जाता था अधिकार। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार भाषण, कहा अलगाववाद और कश्मीर की समस्या की जड़ है अनुच्छेद 370। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर विपक्ष की एकता में फूट, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई ने सरकार का विरोध किया। पीडीपी सांसद ने सदन में कुर्ता फाड़ दिया। अनुच्छेद 370 हटाने को कांग्रेस ने बताया कश्मीर के लोगों के साथ धोखा। गुलाम नबी आजाद बोले ये संसदीय इतिहास का काला दिन। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा भारत ने कश्मीर से वादा तोड़ दिया, गंभीर परिणाम होंगे। अनुच्छेद 370 हटाने पर उमर अब्दुल्ला ने बताया एकतरफा फैसला, बोले ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा, खतरनाक परिणाम होंगे। शांति भंग होने की आशंका की वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती गिरफ्तार। अनुच्छेद 370 हटाने पर जम्मू कश्मीर में शांति, कहीं से किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात पर सरकार की नजर, श्रीनगर में मौजूद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर पाकिस्तान बौखलाया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है, सेना प्रमुख ने कोर कमांडर्स के साथ बैठक की। अनुच्छेद 370 हटने पर बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दी पीएम मोदी को बधाई, बोले राष्ट्रीय एकता के लिए साहसी कदम। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का बयान, 370 अस्थायी प्रावधान है, संविधान लागू करते वक्त ये अपवाद वाला प्रावधान 35A राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे का बयान, राज्य के पुनर्गठन के लिए विधानसभा के प्रस्ताव की जरूरत होती है, अभी वहां विधानसभा नहीं है, संसद से ही राज्य का पुनर्गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर शिवसेना ने ऐतिहासिक फैसला करार दिया, कहा सही मायने में पहली बार कश्मीर का भारत में विलय हुआ। कश्मीर मुद्दे पर शरद यादव ने केंद्र सरकार की जमकर मुखालफत की, कहा हिम्मत थी तो पूरा कश्मीर जीत लेते, तब हटाते धारा 370। धारा 370 हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के नेता नादन द्विवेदी और दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी से अलग लाइन ली, कहा इतिहास की भूल सुधारी गई। आजम खान को एक और झटका, मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए पहुंची टीम को बंद मिला हॉस्पिटल, नोटिस चिपकाकर लौट गई यूपी सरकार की टीम। दिल्ली के दौरे पर बीएस येदियुरप्पा, आलाकमान से करेंगे चर्चा, पीएम से भी करेंगे मुलाकात।
लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद लद्दाख में लोगों में जश्न। लेह में लोगों ने खुशी में जश्न मनाया, मिठाइयां खिलाई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कश्मीरी पंडितों ने खुशियां मनाई, कहा सही मायने में असली आजादी मिली। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर खुशी मनाई, अखंड भारत के जय के नारे लगे। धारा 370 हटाए जाने पर दिल्ली के इंडिया गेट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मिलकर खुशी मनाई, तिरंगा हाथ में लेकर जश्न मनाते दिखे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले का मुंबई के लोगों ने स्वागत किया, लोगों की राय देर से आया, फैसला राष्ट्रहित में है। आज से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी अयोध्या विवादित जमीन मामले की सुनवाई, मध्यस्थता कमेटी की कोशिशों के बेनतीजा होने के बाद सुनवाई शुरू होगी। अयोध्या मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई करेंगे 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता, सुबह 10:30 बजे से सुनवाई शुरू होगी। उन्नाव रेप केस में जुड़े 3 मामलों की आज दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई है, सभी आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया गया। उन्नाव रेप केस मामले में सोमवार को दिल्ली की 30,000 कोर्ट में सुनवाई हुई, आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, अगली सुनवाई बुधवार को होनी है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्नाव रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स भर्ती कराया गया है, दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से ट्रॉमा सेंटर तक ग्रीन कॉरिडोर मुहैया कराया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की छापेमारी पर आज इलाहाबाद कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार, यूनिवर्सिटी में मदरसे से चोरी हुई किताबों की बरामदगी हुई थी। कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट आदेश देगा, अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। रेप और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम की पत्नी ने पति के लिए पैरोल मांगी, गुरमीत की मां की बीमारी का हवाला दिया। पंजाब हाईकोर्ट ने स्वीकार की गुरमीत राम रहीम की पत्नी की याचिका, हाईकोर्ट ने सुनारिया जेल प्रशासन को उचित फैसला लेने का आदेश दिया है। कश्मीर में धारा 370 के हटने पर देश में जश्न का माहौल, भुवनेश्वर में एबीवीपी के छात्रों ने जश्न मनाया। एमपी के रतलाम में तेज बारिश से कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश से भूस्खलन, लोगों को दिक्कतें हो रही। नेपाल में नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। बिहार में आई बाढ़ से 13 जिलों में 88 लाख लोग प्रभावित हैं। बिहार में अब तक 130 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। कर्नाटक के सीएम बी एस येदियुरप्पा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। एमपी के दमोह में तेज बारिश ने प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी, कुछ घंटों की बारिश से रिहायशी इलाकों, बाजारों और स्कूल कॉलेजों में पानी भरा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता से मुलाकात की, प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में आई बाढ़ के लिए नोटिस जारी करने को कहा है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में तेज बारिश का कहर देखने को मिला, रत्नागिरी जिले में राधानगर गांव में 400 मीटर ऊंचे पहाड़ का हिस्सा गिरा। नासिक में गोदावरी में बाढ़ से हालात गंभीर, 8 दिनों से गोदावरी किनारे सभी मंदिर डूबे हुए हैं, आज नासिक के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। गुजरात के नवसारी में एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाई। गुजरात के सूरत में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुणे में बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। तेज बारिश ने नोएडा प्रशासन की पोल खोल दी, तेज बारिश की वजह से सड़कों और पार्कों में पानी भरा है। दिल्ली के जाकिर नगर में रात के करीब 2 बजे एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी, 20 लोगों को बचाया गया, एक की मौत, कई कार और बाइक आग लगने से बर्बाद। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में एक कस्बे में बीती रात 2 मंजिला मकान गिरा, मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, 9 घायल, बारिश के कारण मकान गिरा।